शायद गाइस वहाँ पे पब्लिक जमा है। कितने जन गए? पुलिस वाला दो चार घंटा लगाया, अभी तक अभी सब हो रहा है। क्या हुआ, डूबा है क्या भाई? लड़का था ना, भेटला ना, अभी हाथ में देता है। I need all of you to stop what you're doing and listen. अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, जैसे होगा आपको सारे अपडेट मिल जाएगी। दीपक ने कुछ जुगाड़ लगाया है, लकड़ियां पुट्टे पत्थर कांच वाच सब लेके अंदर 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 भाई, गोला बना लो, गोला बना लो। 2000 years later आई है ना मैकडॉनल्ड्स वाला। तो अभी जल्दी नहीं, वहीं से आवाज तो यार कड़कड़ कोयला भाई, तुम्हारे इधर कपड़े नहीं जल रहे, कपड़े नहीं जल रहे, मानी पड़ा तो जी। इतनी मशक्कत के बाद फाइनली जल चुका है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या मुंडे देख कुड़ियों, बॉयज एंड गर्ल्स, होप यू गाइस रॉकिंग। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एंड मोटो ब्लॉगर राम धनवार, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर टू दी राइडर। मुंबई में गर्मी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं काम करके के ब्रेक मांगता। ब्रेक के लिए ऐसी जगह ढूंढनी है, ब्रेक के लिए ऐसी जगह ढूंढी है, ब्रेक के लिए ऐसी जगह ढूंढी है। हाँ, ये तीन बार बोल चुका हूँ, क्योंकि यह जगह ही कुछ ऐसी है। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब, वो जगह है कैसी, कहाँ पर है, वो पूरा आपको ये ब्लॉग देखने के बाद पता चल जाए। डिटेल्स के लिए लिंक डाल दूंगा, मैप का लोकेशन डाल, ताकि आप यहाँ पर पहुंच सके। वैसे बता दूं कि हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद आखिर सिगड़ी जल चुकी है, बारबेक्यू रेडी है और हमारे फ्रेंड्स खा रहे हैं। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं, अभी कैसे इंजॉय कर रहे हैं वो तो आपके ऊपर है भाई, लेकिन हम लोग तो खा के इंजॉय करेंगे। तो आप सबके लिए हेलो नमस्ते व्हाट्सअप अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल, मैं ताजी बो बढ़िया ताड़ा की हालचाल। गाइस दिस इज योर्स एंड ओनली योर्स रामप्रीत धनवार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल आर टू दी। बहुत टाइम के बाद ऐसे बारबेक्यू हमने प्लान किया, मेहनत जरूर लगी बर्न करने के लिए, फ्लेम करने के लिए, लेकिन उसके बाद जो आनंद मिला खाने का, ओहो भाई साहब, इसके पहले लाल तंदूर थे और अभी हम लोग मलाई चिकन खा रहे हैं। यहाँ हमारा शेफ फवाज भाई, हमने आज कुछ अलग ट्राई किया है। हम लोग राइडिंग पे जाते हैं, यहाँ बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो आज हमारे किसी भाई ने ये जगह खोज निकाली। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? ये आरे कॉलोनी के पीछे साइड से आ रहे हैं, बोरा लेक है जो ओपोजिट साइड हवाई में निकल। मैंने दो तरह से चिकन बनाया हो, मैंने कल 5 किलो चिकन लिया हो, ये देखते हो ये वाइट चिकन है और काफ़ी लजीज लग रहा है। ये मलाई चिकन है, इसमें अमूल क्रीम है, और दूसरी है ये वाली, ये तंदूर चिकन भी इंतजार करा है इन्होंने। एक्चुअली हम जो है ना मेयोनीज सॉस और ऊपर से जो क्रीम डालते हैं वो घर पे भूल गए थे, हमारे दूसरे भाई है ना, बड़े भाई फात भाई आ रहे थे घर से, बोला लेके आए जो जो मिल रहा है लेके आए। तो देखो, वो देखो देखो, तो ये हमारे अंदाजा आ चुके हैं, ये पहला थम्स अप आ चुका है। खुशी, इतनी खुशी मुझे। फात भाई आपकी झोली खोलिए, क्या क्या बताइए हमें पहले पर चलाने के लिए। ओहो, अरे क्रीम, और वो क्रीम है, एक क्रीम आ चुकी है। भाई साहब अभी जो मजा आएगा ना, चलो क्रीम का है। देखो जी साकिब भाई ने मुझे ऑफर किया हो, क्या बात है भाई, धूप इतनी थी ना और ये ठंडा ठंड पी के जो सुकून मिला है। सब लोग फाद भाई को थैंक यू बोलो भाई, थैंक यू, थैंक यू फाद भाई। अभी एंजॉय करते हैं, सारी अपडेट देते रहूंगा, स्टे ट्यून्ड। ऊपर ना थोड़ा मायो मिलता तो मजा आता है, हाँ है ना, है ना, और इसके साथ में काली मिर्च होती तो और मजा आता है, है ना मेरे पास। काली मिर्च है तेरे पास? हाँ है, क्या बात है, तू आदमी है कि कबाट है यार। साथ में अगर प्याज और चटनी हो तो और मजा आता है। अरे वो भी लाया हूँ मैं, ठीक है ठीक है ना यार, कर रहा हूँ। कलर थोड़ी ना मार रहा है उसपे।
तू खाने का था ये अपने में बिल फाड़ रहे हैं पता नहीं कैसे करते बट फिर ट्राई कर रहा हूँ शायद इसको पेंट कर रहा हूँ बट मैं भी शायद ऐसे करते अगर आपको पता है कैसे करते तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना और कौन से नाम जो रूम है ना भाई इसका काफी छोटा सा मैसेज देना है ये जो आप देख रहे हैं ना हमारा कचरा है और इसको हम ही उठा के बैग में पाप मैंने प्लास्टिक बैग लाया उसमें डाल के डिस्पोज कर देंगे तो प्लीज आप आते हो कि मैंने देखा यहाँ पर बहुत कचरा है तो प्लीज आप जब ऐसी जगह पे आते हो ना खूबसूरत जगह है नेचर प्लीज खराब मत करो बिकॉज आज हम इसको यहाँ पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं कल को अगर आप इसको खराब करोगे ना तो कोई जगह नहीं बचेगी थैंक यू गाइस टाइम टू टेल यू अबाउट बांगोड़ा लेक वेल बांगोड़ा लेक इज आल्सो नोन एज आरे लेक वन नीड्स टू रीच आदिवासी विलेज एंड फ्रॉम हियर इट टेक 20 मिनट्स बिफोर रीचिंग द लेक टेक व्हाटएवर फूड एंड अदर सप्लाइज रिक्वायर बिकॉज यू वॉन्ट फाइंड एनी शॉप और हेल्प इन केस ऑफ एमरजेंसी ओवरऑल वर्थ इट वेल हाँ आते वक्त हमने बहुत सारा कचरा उठाया तो प्लीज आप यहाँ आ रहे हो तो कचरा मत करना यार जो मजा आ रही है ना यार क्या बताऊं व्यू देखो यार व्यू आसपास ओहो भाई साहब अबाउट आवर ग्रुप इज हम लोग कचरा नहीं फैलाते कचरा सब पैक है ये सीधा डस्टबिन में जाएगा उधर में यहाँ से हम पैक करके निकल रहे हैं मिलते हैं आपको हाईवे पे तो जी हो गई बारबेक्यू पार्टी और अब हम वापस जा रहे हैं हमारी बाइक पार्किंग के पास ये हमारा ग्रुप तो ये जी कुछ ऐसे दिखता है आसपास ऐसे कंट्री साइड के पास आके ना जो फील आता है ना ब्रो इट्स समथिंग डिफरेंट यार तो फाइनली हमारा डे एंड हो गया बाहर निकल रहे हैं बाहर निकलने के लिए कम से कम 20 मिनट जाता है बहुत वॉकिंग है एंड मेक श्योर कि आपका स्टेमिना अच्छा हो बिकॉज आते वक्त मैंने इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि हमारे हाथों में सामान था दीपक भाई दिखाइए बॉटल प्लीज ये बॉटल को उठा के लाना 2.5 किलोमीटर भी ऐसे रस्ते कच्चे रस्ते पे नो इट्स अ बिग टास्क अगर आपके पास अच्छा स्टेमिना है तो आप ऐसे दो दो बॉटल लेके आ सकते हो और एल्स कोशिश कीजिए कि कोई आपके साथ में कोई ऐसा बंदा हो जो स्ट्रांग हो जैसे हमारे साथ में दीपक भाई था एक्चुअली जिम जाता है ना उसको दिखाना था कि मैं जिम जाता हूँ भाई जिम मैं ट्राइसेप्स उनके जो थे ना भाई साहब कतई जहर कतई जहर कतई जहर क्या शिट शायद गाइस वहां पे पब्लिक जमा है शायद हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है नहीं शायद कोई डूब के मरा था बोल रहे हैं कि मरा है क्रिकेट वाले भी आ गए तो गाइज यही होता है जब हम लोग ऐसे एंजॉय करने आते हैं और ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलता है ना तो काफ़ी हट होता है यार ये गांव वाले हैं यहाँ पे क्या हुआ डूबा है क्या भाई लड़का था नहीं अभी सुना होगा ये शायद लोकल थे यहाँ के तो रियली सैड यार अभी तक शायद उन्हें बॉडी नहीं मिली है मजे करना है मजे करो जान के साथ मत खेलो बिल्कुल यार आई एग्री विद यू ओके गाइस सो जस्ट रीच होम काफ़ी थक गए और मूड भी खराब था आते वक्त शूट करना चाहता था बट यार करने का मन नहीं किया आपने क्लिप में देखा होगा जब हम वापस आ रहे थे तो हमको कुछ गांव वाले मिले एंड वी हर्ड कि यार कोई पानी में डूब के मर गया 3 लोग थे आउट ऑफ विच 2 लोग बच गए और एक की बॉडी नहीं मिली लोग से रिक्वेस्ट है अगर आप लोग ऐसे पिकनिक बनाने जाते हैं अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो स्विमिंग ना करें या फिर ड्रिंक करके स्पेशली पानी में ना उतरे इट्स वेरी रिस्की आपके पास आपकी फैमिली है भाई माँ बहन जो भी कोई है आपके पीछे बस इतना याद रखिए इट्स टाइम टू एंड द ब्लॉग आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू डू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सबको बता दो कि राम अच्छे ब्लॉग बनाता है मूड नहीं कर रहा कुछ यू नो एक्साइटमेंट दिखाने है क्योंकि वो न्यूज अब से मिली है ना थोड़ा सा मूड ऑफ आई सी यू नेक्स्ट व्लॉग टिल देन कीप स्माइलिंग कीप राइडिंग कीप क्लीन बाय बाय अल्लाह हाफिज़ एंड रब रखा